गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ देवस्य स्कूल। टूडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन ग्रामर। नाउ चैप्टर नंबर वन, ग्रामर चैप्टर नंबर वन, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। सेंटेंस तो हमको पता है और उसके पार्ट। सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट और सेकेंड पार्ट है प्रेडिकेट। तो ये लेसन का नाम है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। कौन से दो पार्ट है यहाँ पे? सब्जेक्ट है वन पार्ट और प्रेडिकेट वो है दूसरा पार्ट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में बना देते हैं और जब वो पढ़ते हैं तो वो कंप्लीट सेंस, मतलब वो एकदम ही बरोबर लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अनस्क्रैम्बल किया हुआ है, नहीं, वो एकदम ही अच्छा बढ़िया सा सेंटेंस लगता है। ठीक है, हमेशा हमको याद रखना है कि कंप्लीट सेंस, वो जो सेंटेंस हमने बनाया है वो कुछ भी अनस्क्रैम्बल नहीं है। स्टूडेंट्स, गो गार्डन नाउ, नहीं, ऐसा नहीं है, बरोबर उसको फ्रेम किया है। इट हैज अ नाउन, एक नाउन होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। ठीक है, और अ प्रोनाउन अबाउट होम समथिंग इज बीन सेड, और कोई भी एक प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट है, कोई एक्शन वर्ड है, तो सेंटेंस के अंदर ये सब होता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्या होता है? फुल स्टॉप से वो खत्म होता है, या फिर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके अंदर तो वो, कोई क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट इज नाउन्स एंड इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फाइन। चलो पेज टर्न करेंगे, चैप्टर पेज नंबर सिक्स। ठीक है ना, चैप्टर वन, एक्टिविटी नंबर वन। मिस्टर सेंटेंस, मीट मिस्टर सेंटेंस, ही इज गोइंग टू द पार्टी। ही नीड्स टू कैरी सम सेंटेंसेस इन द सूटकेस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द लिस्ट एंड टेक फॉर मिस्टर सेंटेंस। ये जो है वो मिस्टर सेंटेंस है। ठीक है, उसके सूटकेस में हमको ये सारी चीजें डालनी है, तो हम टिक करेंगे और करते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर वन में क्या आएगा? आई हैव अ सीक्रेट ड्रैगन, इट ग्रीट्स मी। फिर नंबर थ्री, माशू कुडंट स्लीप। फिर नंबर फोर, हर बेड वॉज हार्ड एंड पिलो वॉज बिग। फिर नंबर फाइव, अंसी वॉज इन ट्रबल। तो ये थे हमको सेंटेंसेस अरेंज करने थे जो हम इसके अंदर डालेंगे। गिव्स मी बैक अ स्क्रब, ये हम उसको अंदर नहीं डालेंगे सूटकेस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें मिस्टर सेंटेंस को चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली उसको हमने टिक करके 1, 2, 3, 4 नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे। When you combine your answer in 2 and 3, you will get a complete sentence. ये तो हमारी activity है, subject and predicate of a sentence. ठीक है, okay. अभी हम जाएंगे कि sentence is divided into two part. A sentence is divided into two parts. The person or the thing that is spoken about in the sentence is the subject. हम sentence के अंदर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट डज इज द प्रेडिकेट। इट कंटेन्स द वर्ब, एक्शन वर्ब। वो एक्शन क्या कर रहा है सब्जेक्ट? उस वो जो इंफॉर्मेशन हमको दी है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो द पर्सन और द थिंग है वो हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू द कंप्लीट सेंस। बारकू लव्ड हिज ग्रैंडफादर, तो बारकू इज द सब्जेक्ट,
and loved his grandfather is the predicate. Clear hai students itna? Okay, fine. Okay, अभी देखिए ध्यान रखने वाली चीज, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नाउन और अ प्रोनाउन. द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इज मोस्ट सेंटेंसेस इज एट द बिगिनिंग. तो जो सब्जेक्ट होता है ना हमेशा ज्यादातर बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में. द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल, तो द बॉय सब्जेक्ट है, वो शुरुआत में है. ईटिंग एन एप्पल वो प्रेडिकेट है, तो वो बाद में आएगा. गीता इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो गीता सब्जेक्ट है, गोइंग फॉर अ पिकनिक है प्रेडिकेट, वो गीता के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा है. द टीम इज गोइंग टू द स्टेडियम, द टीम हो जाता है हमारा सब्जेक्ट और गोइंग टू द स्टेडियम हो जाता है हमारा प्रेडिकेट. क्लियर है? एक्टिविटी टू में देखो, फाइंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हमको सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, हमको प्रेडिकेट ढूंढ के अंडरलाइन करना है. तो हमेशा हमको पता है कि प्रेडिकेट बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आता है. तो द बेगर वो सब्जेक्ट है, प्लेस अ फ्लूट प्रेडिकेट. द ट्री इज स्वेइंग इन द ब्रीज, तो ट्री होता है सब्जेक्ट, स्वेइंग इन द ब्रीज प्रेडिकेट. द ट्रेन रन्स ऑन द रेल, तो रन ऑन द रेल सब प्रेडिकेट. द बॉय रैन डाउन द स्ट्रीट, तो रैन डाउन द स्ट्रीट प्रेडिकेट, क्योंकि वो बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. द कैट इज स्लीपिंग, तो इज स्लीपिंग होता है प्रेडिकेट. सीमा इज डांसिंग, तो इज डांसिंग हो जाता है प्रेडिकेट. बारकू इज वॉकिंग टू द मार्केट, तो बारकू सब्जेक्ट है, वॉकिंग टू द मार्केट प्रेडिकेट. माशा वेंट फॉर अ वॉक, माशा वेंट फॉर अ वॉक, तो माशा सब्जेक्ट है, वेंट फॉर अ वॉक प्रेडिकेट. द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, गर्ल स्कूल जा रही है, तो गर्ल सब्जेक्ट है, गोइंग टू द स्कूल प्रेडिकेट है. टिमी इज वैगिंग हिज टेल, तो टिमी सब्जेक्ट है, वैगिंग हिज टेल प्रेडिकेट है. अभी एक्टिविटी थ्री के अंदर कॉलम ए और कॉलम बी है. कॉलम ए के अंदर सब्जेक्ट है, कॉलम बी के अंदर प्रेडिकेट है, तो हमको अच्छे से उसको मैच करके यहाँ पे लिखना है. द ड्रैगन द सीक्रेट ड्रैगन, तो कहाँ आएगा, लिव्ड इन द टब. तो यहाँ पे देखो वन लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे हमको उसका सेंटेंस करना है. फिर टिमी वॉज द नेम ऑफ द डॉग, हैंस लिव इन द टब. द सन इज लाइक अ रेड बॉल, द बैट स्लीप्स हैंगिंग अपसाइड डाउन. ठीक है, फिर देखो यहां पे सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को दिया है, सेंटेंसेस दिया है, और हमको जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है. तो हमको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है और जो प्रेडिकेट है वो बाद में आता है. वो जो एक्टिविटी हमने पहले की थी ना वैसी ही है ये. माय पेरेंट्स कुडंट सी द ड्रैगन, माय पेरेंट्स सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला प्रेडिकेट. बारको वोक अप वेरी अर्ली, तो बारको सब्जेक्ट है. डॉग्स एंड कैट्स बेस्ट मेक द बेस्ट पेट, तो जो सब्जेक्ट है डॉग्स और कैट्स है और प्रेडिकेट है मेक द बेस्ट पेट्स. माय टीचर सब्जेक्ट टीचर है, इज एब्सेंट टुडे प्रेडिकेट. हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है. द कैनल वॉज टू कोल्ड फॉर माशा, द कैनल हो जाता है सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस हो जाता है प्रेडिकेट. राज हैज एन इंटरव्यू टुडे, तो राज सब्जेक्ट है और इंटरव्यू टुडे है प्रेडिकेट. ममता रोट द लेटर टू द प्रिंसिपल, तो ममता हो जाती है सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट. बारकू वेंट टू गेट अ गिफ्ट फॉर हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे, तो बारकू नाम है सब्जेक्ट का. ठीक है, माशा क्लाइम्ड ऑन द पर्च, तो माशा सब्जेक्ट का नाम है और बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, तो हम्प्टी डम्प्टी हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट. द ड्रैगन गिव्स माई बैक अ स्क्रब, तो ड्रैगन हो जाएगा सब्जेक्ट. ग्रैंडफादर लव द मंगेट नगेट्स, तो ग्रैंडफादर है सब्जेक्ट. द बॉयज लुक एट द ग्राउंड, तो बॉयज है सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट.
द बुक इज मिसप्लेस्ड, द बुक है सब्जेक्ट, बुक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि वो मिसप्लेस्ड है, तो बुक इज मिसप्लेस्ड, द बुक है सब्जेक्ट, मिसप्लेस्ड है प्रेडिकेट। ओके, अभी एक्टिविटी 5 के अंदर है, हमको प्रेडिकेट दिया है, हमको सब्जेक्ट लगाने का है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग अ सूटेबल सब्जेक्ट। सेल्स ब्रेड, तो कौन ब्रेड कौन सेल करता है, तो द बेकर, बेकर हो जाएगा सब्जेक्ट, सेल्स ब्रेड हो जाएगा प्रेडिकेट। इज क्राइंग इन द क्रिब, क्राइंग कौन क्राई कर रहा है, द बेबी। कट्स हेयर, बाल कौन कट करता है, द बार्बर। इज वॉटरिंग द प्लांट्स, तो गार्डनर। इज ने पनिश द स्टूडेंट्स फॉर कमिंग लेट, तो कौन है पनिश द स्टूडेंट्स, द टीचर। इज कुकिंग डिनर फॉर अस, तो हमारे लिए खाना कौन बना रहा है, मदर। गिव सम मेडिसिन, तो मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। फिर लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग सूटेबल प्रेडिकेट। हमको सब्जेक्ट दिया है और हमको पिक्चर दिया है, तो हमको खाली प्रेडिकेट बनाना है उसके अंदर। तो द गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है पिक्चर में, रीडिंग अ बुक। द बस, द स्कूल बस इज गोइंग टू स्कूल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द हॉर्स इज रनिंग। द सैंडविच इज टेस्टी एंड ईटिंग। तो हमको पिक्चर दिया है, हमको सब्जेक्ट दिया है, हमको सिर्फ प्रेडिकेट पिक्चर में देख के बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में कर देते हैं और उसको पढ़ने के बाद वो कंप्लीट सेंस बताता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने बोल दिया है, नहीं। फिर सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, द सब्जेक्ट इज द सेंटेंस इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द स्पीकिंग पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्सन खुद और सब्जेक्ट खुद होता है, वो जो हमेशा शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दी है, गिव्स अबाउट द सब्जेक्ट और द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, जो काम क्या कर रहा है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो हमेशा पीछे आता है, प्रेडिकेट हमेशा पीछे आता है। और सेंटेंस में हम शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप से करते हैं। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 1, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एकदम सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।